मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक अप्रत्याशित टॉपिक्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जो कि अत्यंत ही सक्रिय भूमिका आपके साथ स्टेप बाय स्टेप निभाएगा और हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। आपसे मेरी ये निवेदन है और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक भी करेंगे और इससे ज़्यादा आप मुझे क्या सहयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर मापने की जो इकाई होती है, ताप मापने की जो इकाई होती है, आपके 9th क्लास में 10th क्लास में इसका कभी कभी उपयोग होता है और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन वगैरह में भी 0 degree Fahrenheit स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री केल्विन स्केल और डिग्री रिगमर स्केल, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस स्केल का जो मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट होता है वह 32 degree होता है और जो मैक्सिमम होता है वह 212 होता है। इसमें मिनिमम 0 degree होता है, मैक्सिमम 100 degree होता है। इसमें 273 होता है और मैक्सिमम 373 होता है। इसमें 0 degree होता है, मिनिमम 80 होता है। और यह जो मिनिमम और स्टैंडर्ड, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड जो पॉइंट है, मैक्सिमम और स्टैंडर्ड जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम जो स्टैंडर्ड जो पॉइंट है इस बीच के दूरी को, इस बीच के दूरी को हम लोग क्या करते हैं, 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं। 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक डिवीजन आपका कहलाता है 1 degree Fahrenheit। प्रत्येक डिवीजन कहलाता है आपका 1 degree Fahrenheit कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, 100 और 100 के बीच की दूरी को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक दो डिवीजन के बीच की दूरी को 1 degree Celsius करते हैं। प्रत्येक डिवीजन के बीच की दूरी को 173 degree Celsius करते हैं। 273 और 373 के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम लोग 1 degree Kelvin करते हैं। इसको हम लोग 1 degree Kelvin कहते हैं। 0 degree और 80 degree के बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक दो डिवीजन के बीच की दूरी को 1 degree Reaumur कहते हैं। इक्वल डिवीजन होता है, ये सारे डिवीजन जो आपके इक्वल होते हैं, इस प्रकार से टेम्परेचर में मामले के पैमाने हो गए सेल्सियस। सेल्सियस पैमाना को डिग्री सेल्सियस से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डिग्री फारेनहाइट स्केल को डिग्री फारेनहाइट से करते हैं।
रीमर को आर द्वारा इंडिकेट करते हैं और केल्विन को के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तापक्रम पैमाना बनाने के लिए, किसी भी स्केल को बनाने के लिए दो दो नियत बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी भी पैमाने को बनाने के लिए दो नियत बिंदु की आवश्यकता होती है। एक बिंदु होता है मैक्सिमम उच्चतम और दूसरा होता है न्यूनतम। दूसरा होता है न्यूनतम। न्यूनतम जैसे 32 हो गया, 0 डिग्री हो गया, 273 हो गया, 0 हो गया, और महत्तम 212 हो गया, 100 हो गया, 373 हो गया और 80 हो गया। दूसरा जो नियत बिंदु होता है जल का क्वथनांक होता है। पानी, शुद्ध पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। शुद्ध पानी की अगर आप पहचान करते हैं तो यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू करता है। तो डिग्री सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन टेम्परेचर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द 373, इसमें 80 रीमर, इसमें 212। तो किसी भी स्केल को बनाने के लिए दो नियत बिंदु की आवश्यकता होती है। पहला कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट, दूसरा कहते हैं मैक्सिमम स्टैंडर्ड पॉइंट। जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड पॉइंट होता है वह बिंदु आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, और जो मिनिमम पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट होता है हिमांक बिंदु होता है, बर्फ में जमना वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में कन्वर्ट होने शुरू कर देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फारेनहाइट में 32, केल्विन में 273, रीमर में 0 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी प्रकार के टेम्परेचर को हम लोग चार तरीके से माप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फारेनहाइट में, डिग्री केल्विन में और डिग्री रीमर में। आजकल डॉक्टरी थर्मामीटर में डिग्री फारेनहाइट का बेधड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। डॉक्टरी थर्मामीटर में बेधड़क इसका उपयोग किया जा रहा है। और एक विशेष प्रकार के ऐसा तापमापी विकसित किया गया है जो कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट दोनों स्केल के संबंध को एक साथ बताएगा। Which is the non in the form of the nemogram, जिसे हम लोग नेमोग्राम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पूरी तरह यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी स्केल को बनाने के लिए दो नियत बिंदु की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। अब इस संदर्भ में हम चर्चा करें डिग्री फारेनहाइट जो हुआ यह स्केल को इंडिकेट करता है। 32 हो गया, 32 हो गया आपका मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट, और बीच के दूरी को हम लोग 180 बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मिनिमम हो गया डिग्री सेल्सियस, तो आपका स्केल इंडिकेट करता है 0 बटा 100 हो गया इक्वल डिवीजन। मिनिमम इसका 273 केल्विन डिग्री माइनस 273 बटा 100 डिग्री बराबर भाग हो। इसका मिनिमम हो गया 0 डिग्री और 80 इक्वल डिवीजन हो गया। रिलेशन बिटवीन डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री रीमर, अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एफ माइनस 32 बटा 180 सी ओपन 100
के माइनस 273 ओपन 100 और आर ओपन 100। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं तो सब में से एक एक जीरो, चूंकि हम लोग चूंकि ये चारों क्वांटिटी आपस में बराबर है तो सब में हम 10 से गुना कर सकते हैं। अगर LHS, RHS, MHS अगर आपस में बराबर है तो बराबर राशि को जोड़ने घटाने गुना करने भाग करने पर उसके स्टैंडर्ड वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जीरो जीरो रिमूव कर दीजिए, जीरो जीरो रिमूव कर दीजिए, जीरो जीरो रिमूव, जीरो जीरो रिमूव। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया एफ माइनस 32 बटा 18 सी बटा 10 के माइनस 273 बटा 10 और आर बटा 8। ये हुआ रिलेशन। अगर पूछा जाए राइट द रिलेशन बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड द डिग्री स्केल तो एफ माइनस 32 बटा 18 सी ओपन 100। अगर पूछा जाए डिग्री सेल्सियस और रीमर में रिलेशन सी ओपन 10 इक्वल टू आर ओपन 8। अगर पूछा जाए डिग्री केल्विन और रीमर में रिलेशन तो के माइनस 273 ओपन 10 इक्वल टू आर ओपन 10। इस पर हम कुछ एग्जांपल देकर आपको बता रहे हैं। मान लिया जाए आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस को, 10 डिग्री सेल्सियस को आप रीमर में कन्वर्ट कीजिए, 10 डिग्री सेल्सियस को आपको रीमर में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री सेल्सियस को रीमर में कन्वर्ट करना है तो आप सेल्सियस और रीमर के रिलेशन को लिखिए सी ओपन 10 बराबर आर बटा 8। तो 10 सी के जगह पर 10 दीजिए, 10 बटा 10 बराबर आर बटा 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 आर बराबर 80, आर बराबर 80 बटा 10 बराबर आपका हो गया 8वीं डिग्री रीमर। अगर आपको कहा जाए 50 रीमर को केल्विन में कन्वर्ट करें, 50 डिग्री रीमर को केल्विन में कन्वर्ट करें, केल्विन में बदलें, केल्विन में बदलें, तो रीमर और केल्विन के रिलेशन को लिखेंगे के माइनस 273 ओपन 10 बराबर आर ओपन 8। तो रीमर को कन्वर्ट करना है तो के में किसी भी प्रकार का हम चेंजिंग नहीं करेंगे, बटा 10 बराबर आर है आपका 50, 50 बटा 8 कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू के माइनस 273 बराबर 50 गुना 10 के माइनस 273 बराबर 50 गुना 10 ओपन 8 4 दूनी 8 5 दूनी 10 दो दूनी 4 25 दूनी 50 25 पंचे 125 बटा 2 ये हो गया 2 छके 12 2 दूनी के 4 2 पंचे 10 के बराबर 62.5 प्लस 273 दोनों को जोड़ दीजिए 273 और 62.5 पच की पच्चो हो गया 3 दो 5 हो गया 7 छः 13 के 3 हसीले 335.5 डिग्री आपका रिमर हो गया। अगर आपको फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फारेनहाइट को या 50 डिग्री केल्विन को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, मान लिया जाए 50 डिग्री केल्विन को, 50 डिग्री केल्विन को कन्वर्टेड, कन्वर्ट इनटू डिग्री फारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू डिग्री फारेनहाइट, तो डिग्री फारेनहाइट और केल्विन के रिलेशन को लिखेंगे
एफ माइनस 32 बटा 18 केल्विन का के माइनस 273 बटा 10 एफ माइनस 32 बटा 18 केल्विन का वैल्यू आपका कितना है 50 50 माइनस 273 बटा 10 इसको घटा दीजिए 273 घटाओ 50 तीन की तीनों सात में पांच गया दो दो की दो 223 एफ माइनस 32 बटा 18 बराबर माइनस 223 माइनस 223 अपन 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए एफ माइनस 32 इंटू 10 बराबर माइनस 223 गुना 18 18 या 54 के 4 हासिल 5 18 दुनी 36 5 41 के 1 हासिल 4 8 दुनी 36 4 40 इतना हुआ माइनस में एफ माइनस 32 बराबर माइनस 40 14 अपन 10 बराबर हो गया माइनस 401.4 डिग्री फारेनहाइट बराबर माइनस 401.4 इसको इधर लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा इसको घटा दीजिए 401.4 घटाओ आपका 32 32 घटा देना है चार की चरो 11 में 2 गया 9 9 में 3 गया 6 369 माइनस 369.4 डिग्री फारेनहाइट आता है इस प्रकार से मैंने बारी बारी से सबका रिलेशन बता दिया। अब देखिए डिग्री स्केल में न्यूनतम बिंदु 0 लिया जाता है और उच्चतम बिंदु 100 डिग्री लिया जाता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहला जैसा मैंने बताया था। जल के त्रिक बिंदु को इस स्केल को 273 डिग्री केल्विन लिया जाता है तथा उच्चतम बिंदु 373। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री केल्विन करते हैं। ठीक उसी प्रकार फारेनहाइट में भी करते हैं। फारेनहाइट में मिनिमम लेते हैं 32 मैक्सिमम 212 बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं 1 डिग्री फारेनहाइट। रूमर में भी वही करते हैं मिनिमम 0 लेते हैं और मैक्सिमम हम कितना लेते हैं भाई 80 बीच के दूरी को 80 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग 100 डिग्री रूमर होता है। अब देखिए तापक्रम के मापन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। लेकिन प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर होता है या क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वह देखिए कौन सा होता है। इसका उपयोग शरीर के टेम्परेचर को मापने के लिए करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर जिसको डिग्री फारेनहाइट भी आज की डेट में धड़ल्ले से उपयोग आपका केल्विन में डिग्री फारेनहाइट भी हो रहा है और इंटरनेशनल जो ताप का पैमाना मापक होता है उस हम केल्विन कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर में एक पतली कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर पतले कांच के बल में पारा भरा होता है। इस नली पर तापक्रम अंकों में अंकित रहते हैं। तो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में ये जो पारा का जो मरकरी का उपयोग होता है ये मरकरी जो सॉलिड होता है जबकि कहा जाता है कि सारे सॉलिड जो होते हैं सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं लेकिन प्रकृति के में हर पदार्थों का कुछ न कुछ एक्सेप्शन होता है जबकि पारा जो मरकरी होता है कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है। इस पारे का उपयोग करने का प्रमुख कारण क्या है कि पारा में वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होता। इकाई डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटने बढ़ने से उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं के बराबर होते ही नहीं है। अगर उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन बढ़ जाता तो फिर रीडिंग लेने में हम लोगों को क्या होगी परेशानी होगी। इसलिए हम लोग पारा जैसे ही हम लोग मेटल का उपयोग करते हैं। अब देखिए अगर मान लिया जाए आप हीटर जला रहे हैं और हीटर कितने ताप पर अपना
फिटनेस प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसमें थर्मामीटर आप रखते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, वह मोमबत्ती की तरह वह टपकने लगेगा गल गल कर। प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है वो अलग होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर में आपका -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हम लोग टेम्परेचर लेबोरेटरी वगैरह में मापते हैं, प्रयोगशाला में मापते हैं, उसका कुछ अलग ही स्केल होता है। उसमें मिनिमम आपका होता है 10 डिग्री, मिनिमम होता है 10 डिग्री, -10 डिग्री, और मैक्सिमम क्या होता है आपका, मैक्स 110 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं विशिष्ट उष्मा की तरफ ले चल रहे हैं, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट के तरफ हम लोग ले चल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है, विशिष्ट उष्मा क्या है, ये 9th क्लास का भी है, कॉम्पिटेटिव में भी देगा और विभिन्न प्रकार के क्लास 10th में भी, विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन में भी आपको सहयोग करेगा। हम लोग इसको कहते हैं क्या, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट, इसको कहते हैं हम लोग है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस पदार्थ का, वह इकाई यूनिट में होना चाहिए, 1 ग्राम 1 किलोग्राम इकाई यूनिट में होना चाहिए। 1 ग्राम जल में मान लेते हैं जल का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, इसको 5 डिग्री सेल्सियस करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम जल में एकांक द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा। आवश्यक उष्मा को हम लोग कहते हैं विशिष्ट उष्मा। एकांक होना चाहिए, उसका यूनिट मास होना चाहिए, तभी हम उसको विशिष्ट उष्मा की संज्ञा देंगे। रिक्वायरमेंट टेम्परेचर क्यू बराबर MST, MS ट्रेंगल T होता है। ये आपका हो गया स्पेसिफिक हीट, ये हो गया आपका स्पेसिफिक आपका हीट हो गया। कितना क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी 2 ग्राम जल को, 2 ग्राम जल में 50 ग्राम जल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बराबर MS ट्रेंगल T, ताप में परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका SI यूनिट क्या होता है, M into S into ट्रेंगल T बराबर क्यू, S बराबर विशिष्ट उष्मा बराबर क्यू बराबर बटा M into ट्रेंगल into T। तो इसको अलग अलग कीजिए, क्यू बटा 1 बटा M 1 बटा T कीजिए, इसी को मैंने सेपरेट कर दिया। अब चलिए उष्मा के मात्रा को मापने के लिए कैलोरी, ये हो गया ओपन, इसका होता है ग्राम और टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, विशिष्ट उष्मा का SI यूनिट, विशिष्ट उष्मा का SI यूनिट कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, इकाई यूनिट में, इकाई द्रव्यमान में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट उष्मा कहते हैं। और विशिष्ट उष्मा के लिए हर हालत में, विशिष्ट उष्मा के लिए हर हालत में उसका द्रव्यमान फिक्स्ड होना चाहिए, यूनिट में होना चाहिए। अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं उष्मा धारिता में, हम
हम आपको आगे ले चल रहे हैं उष्मा धारिता में ले चल रहे हैं। उष्मा धारिता, उष्मा धारिता में लेकर चल रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी, इसको कहते हैं थर्मल थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी उष्मा धारिता। इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कैपेसिटी उष्मा धारिता। तो इसमें यह आवश्यक नहीं है कि पदार्थ यूनिट में होना चाहिए। किसी भी प्रकार के पदार्थ में, चाहे उसका मास वॉल्यूम कुछ भी हो, किसी भी प्रकार के पदार्थ में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा धारिता। तो उष्मा धारिता बराबर क्या होता है, उष्मा धारिता बराबर m गुना s। m का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। m का मतलब द्रव्यमान और s का मतलब होता है विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। ये उष्मा धारिता हुआ। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी पदार्थ में जो उष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं उष्मा धारिता, उष्मा धारिता कहते हैं। और इसकी मात्रा द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा गुना ताप में वृद्धि। तो द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा गुना ताप में वृद्धि, इस प्रकार से ms इंटू ट्रेंगल टी। अब देखिए उष्मा का संचरण, उष्मा का जो संचरण होता है वह कितने विधि से होता है, उष्मा का जो संचरण होता है वह आपके कितने विधि से होता है, उष्मा का जो संचरण होता है वह कितने विधि से होता है। पहला होता है चालन विधि, कंडक्ट्स, ये सॉलिड में होता है, ये आपका सॉलिड में होता है। दूसरा होता है संवहन विधि, दूसरा होता है संवहन। संवहन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो मैंने कहा कंडक्शन, इसको कहा कंडक्शन। दूसरा होता है संवहन, संवहन को हम लोग, संवहन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वैक्शन, इसको कहते हैं कॉन्वैक्शन। और तीसरा होता है विकिरण, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेडिएशन। तीसरा होता है विकिरण, जिसको कि हम लोग कहते हैं रेडिएशन, इसको हम लोग कहते हैं रेडिएशन। यह हो गया आपका लिक्विड के लिए और ये हो गया गैस के लिए। ताप जो टेम्परेचर का जो संचारण होता है, हस्तांतरण होता है, जो एक्सचेंजिंग होता है, यही 3 विधि आपका है। सॉलिड के लिए क्या होता है, कंडक्शन होता है। संवहन के लिए कन्वेक्शन, लिक्विड। और गैस के लिए क्या होता है, रेडिएशन। वस्तु के विभिन्न भागों में तापांतर के कारण वस्तु के ऊंचे ताप से चलने वाले अपेक्षाकृत कम वाले उष्मा को इसमें यह देखा जाता है। और उष्मा के संचरण की इस प्रक्रिया वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते हैं बल्कि केवल ऊर्जा को ट्रांसपोर्टिंग कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए, यह आपका एक रड है, एक स्टैंड पर कस दीजिए इसको, एक स्टैंड पर इसको आप कस दीजिए, इसमें आप मोम लगा दीजिए और यहां एक आटी, एक आटी यहां, एक आटी यहां, एक आटी यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, इस प्रकार से कांटी को चिपका दीजिए। अब यहां पर बर्नर से आप गर्म कीजिए, ज्वालक से इसको गर्म कीजिए,
तो इधर का टेम्परेचर हाई होगा, इधर का टेम्परेचर लो होगा। तो उष्मा का जो नेचर होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ना, ये खासकर सॉलिड सब्सटेंसों में देखा गया है कि उष्मा यह क्या कर, जब गर्म करेंगे तो सबसे पहले यह गिरेगा, उसके बाद यह गिरेगा, उसके बाद ये कांटी गिरेगा, उसके बाद यह कांटी, ऐसे करते करते ग्रेजुअली सारे कांटी गिरेंगे। तो जब हम लोग इसको हीट देते हैं तो इसकी कैनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इसके पार्टिकल अपने मिडिल पॉइंट से आगे नहीं बढ़ते हैं, मीडियन कंडीशन से आगे नहीं बढ़ते हैं, यह आवश्यकता अनुसार ऊर्जा लेकर बगल वाले को दे देते हैं, फिर बगल वाला फिर उसके बगल वाले को, इस प्रकार से ये पार्टिकल जो करते हैं उष्मा का ट्रांसपोर्टिंग खुद ही कर लेते हैं और तब तक टेम्परेचर का संवहन होते रहेगा जब तक कि चारों तरफ इसका टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। आपने देखा होगा कि अगर एक पानी शुद्ध वाटर इसमें लीजिए, इसमें शुद्ध वाटर लीजिए और बर्नर से इसको गर्म कीजिए तो पहले तो टेम्परेचर वाटर का बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो यह उबलना शुरू करेगा और पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक कि इसमें एक भी बूंद पानी रह जाता है। एक बूंद भी पानी रहेगा उसका टेम्परेचर 100 से 101 नहीं होगा। वैसे नहीं समझिए, आप ऐसे समझिए, अगर वैसे आपको परेशानी हो रही है तो आप ऐसे समझिए, मान लिया जाए एक कंटेनर हम लिए, इसमें बर्फ के टुकड़ा को रख दिए, इसमें बर्फ के हम टुकड़ा को रख दिए और बर्नर से हम गर्म किए, बर्नर से हम गर्म कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जब तक कि बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें बचा हुआ रहेगा। तो प्रश्न होता है भाई तब आखिर हमारे द्वारा दिया गया टेम्परेचर गया कहां? ये तो आश्चर्य की बात है कि हमारे द्वारा दिया गया ये टेम्परेचर गया कहां। तो छात्रों, जो मैंने टेम्परेचर दिया वह बर्फ के दो अणुओं के बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में खर्च हो गया। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा बर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं आ जाता है। जब पूरा बर्फ लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अंत में 100 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएगा, अंत में 100 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएगा। और 100 डिग्री सेल्सियस तब तक रहेगा जबकि एक बूंद भी पानी उस कंटेनर में रहेगा, उसके पहले बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और यह ध्यान रखेंगे कि शुद्ध पानी का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम आपको ले चल रहे हैं कन्वेक्शन की तरफ, जो कि आपका संवहन की प्रक्रिया आपका लिक्विड में होती है। उष्मा संचालन की यह विधि, इसमें उष्मा द्वारा कणों की गति स्थानांतरित होता है। संवहन में किसी द्रव अथवा गैस के अणुओं द्वारा उष्मा अवशोषित की जाती है। ये अणु अपने स्थान से ऊपर की ओर गति करते हैं और अणुओं के स्थान को ठंडे अणु ले जाते हैं। इस प्रकार से इसमें खासकर ये होता, आप देखे होंगे पानी को गर्म करते समय अणु क्या करते हैं, उष्मा का ट्रांसपोर्टिंग खुद ही करते हैं। ये खासकर इसमें जो संवहन की जो प्रक्रिया होती है, कॉन्वेक्शन की जो प्रक्रिया होती है, लिक्विड के पूरे भाग पर होती है। इसमें संवहन की जो प्रक्रिया होती है खासकर लिक्विड में देखा गया, जब पानी को गर्म करते हैं, जब पानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। अब रह गया आपका रेडिएशन, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माध्यम के ताप को परिवर्तित किए जा सकते हैं। उष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है।
सूर्य से ऊष्मा इसी विधि से संचरित होती है। सभी तप्त ठोस द्रव गैस इसी विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण करते हैं। इस विकिरण के संचरण के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता, जैसे प्रकाश है, प्रकाश के गमन के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक उसी प्रकार रेडिएशन जो होता है, जो विकिरण होता है, जैसे इंफ्रारेड का जो रेडिएशन होता है, सूर्य के हाथ से जितना भी सौर एनर्जी आता है उसमें जो 1/3 होता है, उसमें जो 1/3 होता है वह इंफ्रारेड होता है। उसका जो रेडिएशन की जो क्वांटिटी होती है 1/3 होती है। इस पृथ्वी पर जितने भी आप परिवर्तन देख रहे हैं, वर्षा का होना, फोटोसिंथेसिस का होना, जर्मिनेशन का होना, टेम्परेचर बनाए रखना, स्थल समीर चलना, समुद्री समीर चलना, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन चलना, ये सारी प्रक्रियाएं, विपरीतता होना, विपरीतता होना, फिटनेस का फीलिंग करना, ये सब किसका देन है? रेडिएशन का देन है। रेडिएशन खासकर जिसके लिए गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। अब हमारा आगे है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लाइव चैप्टर आपके 10th क्लास में है, 9th क्लास में नहीं है। अब चलिए गतिमान वस्तु। अब मोशन क्या है और रेस्ट क्या है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि मोशन, व्हाट इज द मोशन एंड व्हाट इज द रेस्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड द रेस्ट, मोशन एंड द रेस्ट, एंड रेस्ट, इसको हम स्टेशनरी भी कहते हैं, मोशन रेस्ट या स्टेशनरी भी कहते हैं। अब देखिए मोशन और रेस्ट स्टेशनरी है क्या चीज। इस यूनिवर्स में जितने भी पदार्थों को देख रहे हैं वह तो दो ही अवस्था में है, या तो मोशन में है या तो वह रेस्ट में है। तो भाई मोशन और रेस्ट का फीलिंग आप कैसे करेंगे? तो मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कोई रिगार्डिंग रेस्पेक्टिंग पॉइंट लीजिए। मान लिया जाए यहां पर कोई वृक्ष है, ये इसका रिगार्डिंग पॉइंट हुआ। अगर समय परिवर्तन के साथ साथ दोनों की बीच की दूरी घट रही है तब तो यह ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ इस ऑब्जेक्ट की दूरी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा तो वह रेस्ट में कहलाएगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर शेप्स, कंडीशंस, डायरेक्शंस, पोजीशंस विद द वेरिएबल टाइम्स, समय के परिवर्तन के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट समय के परिवर्तन के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थिति, आकृति, दिशा, स्थान में अगर परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग कहते हैं मोशन, गति में। लेकिन कोई परिवर्तन अगर नहीं देखा जाए इसका मतलब स्टेशनरी में है, रेस्ट में है। अब देखिए मेन रूप से टाइप ऑफ गति, एक है आपका लाइनर मोशन है, सरल रेखा पर जो वस्तुएं ट्रेवलिंग करती है, सरल रेखा पर जो वस्तुएं ट्रेवलिंग करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है उसको हम लोग रैखिक गति कहते हैं, लाइनर मोशन कहते हैं। जैसे रोड पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, रोड पर कोई वस्तु चल रही है, यह लाइनर मोशन का, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। यदि ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी निश्चित पथ पर एक निश्चित दिशा में न हो, जैसे उसका कोई भी उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग हैं रेंडम मोशन, यादृच्छिक गति। जैसे यदि
गति की ऐसी अवस्था जिसमें गति किसी निश्चित पथ पर एक निश्चित दिशा में न हो, उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो और न उसका कोई पथ हो, जैसे एक मक्खी की गति, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी की गति आदि। जब खिलाड़ी प्लेयर जो फुटबॉल खेलता है तो उसका गति का कोई दिशा नहीं हो, जिधर गेंद, चूंकि गेंद के मुताबिक उसको दौड़ना पड़ता है, गेंद किधर जाएगा यह भी कहना मुश्किल है, फुटबॉल किधर जाएगा यह भी कहना मुश्किल है। अब है आपका वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशंस। किसी आर्बिट पर कोई ऑब्जेक्ट अनवरत गतिशील है, चक्कर काट रहा है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं, यह एक प्रकार का सर्कुलर मोशन है। कोई पार्क में आप सर्कुलर रास्ता बना दीजिए और उस पर अगर आप दौड़ते हैं तो अभी एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि ये बताइए कि लाइनर मोशन, मोशन लाइनर मोशन, लाइनर मोशन का एक एग्जांपल दीजिए, तो लाइनर मोशन के एग्जांपल में आप क्या देंगे भाई, सड़क पर दौड़ती हुई बस ट्रक, आप साइकिल चला रहे हैं, चल रही है बाइक, ये सब आपके लाइनर मोशन के एग्जांपल है। अब रहा है आपका औसत चाल, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड को हम लोग कहते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड को हम लोग कहते हैं औसत चाल। जनरली हम लोग इस औसत शब्द का प्रयोग प्राय करते रहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एवरेज, औसत, मीन। अगर मान लिया जाए ये आपका कटिहार जंक्शन है और यहां पटना सिटी है, यहां पटना सिटी है, दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए 300 किलोमीटर, बीच की दूरी 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। अगर कोई बस यहां से चलना प्रारंभ करता है और पटना पहुंचता है, यह देखना है कि यह कितने बजे चला, मान लेते हैं 7 बजे चला और वह 12 बजे पहुंचा, केवल समय आपको देखना है कि उसका अप्रोचिंग टाइम क्या है और अराइवल टाइम क्या है, केवल इसका अराइवल टाइम देखना है और अप्रोचिंग टाइम देखना है, और बीच में उसका क्या ठहराव हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं, बीच में उसका क्या स्टॉपेज है, क्या डिस्टरबेंस हुआ उससे आपको कोई लेन देन नहीं करना है, बीच में उसका क्या डिस्टरबेंस हुआ, बीच में उसका क्या स्टॉपेज हुआ उससे आपको कोई लेन देन नहीं करना है, यह देखना है कि इसने कितने घंटे में पहुंचा, 7, 5, 12, 5 घंटा टेकन टाइम हो गया आपका, टेकन टाइम हो गया 5 आवर्स और डिस्टेंस हो गया आपका 300 किलोमीटर। यह नहीं देखना है कि वो बीच बीच में कहां काड़ा वाला कुर्सेला, बकरी कटरिया कुर्सेला, कहां का वो ठहरा, उससे कोई मतलब नहीं, किस गति से गया वो भी मतलब नहीं है हमको, है कभी उसका 0 भी हो जाएगा, कभी 2 भी हुआ, कभी 5, कभी 10, कभी 50, कभी 60 भी होगा, इससे कोई आपको लेन देन नहीं करना है, केवल यह देखना है कि कितने बजे चला था और पटना कब पहुंचा और बीच की दूरी उसकी क्या रही 300 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटा टेकन टाइम अपन टेकन टाइम, 300 बटा 5, 5×30, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड हुआ। इसका मतलब हुआ कि यह ऑब्जेक्ट कभी 50, 60 से कम भी चला होगा, 60 से अधिक भी चला होगा,
क्या चला उससे मतलब हमको नहीं है, मतलब हमको ये है कि ऑब्जेक्ट कब चला था, कब पहुंचा और कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक्स, मैं अपने टॉपिक्स पर आज विराम देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट डे इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन शेयर करूंगा। अति लाभदायक आप लोगों के लिए, 9th हो या 10th या किसी भी क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइक्स देकर, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।